परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे। स्वर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में काशी शहर में भारतवर्ष के अंदर एक धारक की भूमिका कर रहा हूँ, जुलाहे रूप में रहता हूँ और वहाँ मैं सत संदेश दे रहा हूँ। और नानक साहिब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहाँ से गए हुए हो और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहाँ भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि हे भगवान, सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है, अजब लोक है ये तो, और मुझे यहीं रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा आप वापस जाइए, आप जब यहां से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही, आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे, उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सारनाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे, 1,000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते, जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे यदि नियमित रहोगे तो। पुण्यात्मा वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे, उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है। और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहिब जी को छोड़ दिया, शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहिब उसी दरिया पर दिखाई दिए, अन्य जनता वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे, सबने देखा कि नानक साहिब तो जीवित हैं, जीवित हों, खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की, और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे, 1, 2, 3, 13 से आगे गिनना भूल गए, 13, 13, हे भगवान यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13, 13, 13, 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया, और स्वयं वो वहां उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे वैसा ही चोला पहन के, वेशभूषा बना के शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच कराई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में,
जो श्री नानक साहेब जी के बैनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से वो वहाँ नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहेब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा यातना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहेब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूंगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था और उसकी खोज करूंगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहेब जी को परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ाने के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे, और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे, उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझ कर, तब वापस आ गए थे और आते ही वे अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटा वैता। के झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो नजारा सचखंड का, जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में झांकियां निकलती हैं, ये हरियाणा प्रांत की झांकी है, ये पंजाब प्रांत की झांकी है, इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी, कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई, कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो इस सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का, सर्वपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्त है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है, उसने 4:34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने भी नहीं पता, संकेती कही। अब ये 2 अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सारस नाम, वो आदि नाम भी कहते हैं उसको, सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहेब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अपने आत्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के गुरु काशी वाले धानक वो कबीर थे,
इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहिब जी ही कबीर साहिब के गुरु थे। पुण्यात्माओं, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हम सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्माओं, एक तो ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा वेद निपाया का सीमाए कबीर होया। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रस्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सभी ने कहा ये अजर व अमर हैं। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहाँ भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था नानक जी को, प्रथम बार मिले थे, कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अपने आत्माओं, हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं भगवान ने आके अपनी प्यारी आत्माओं को निकालने के लिए अपने आप को एक जीव, एक आम साधारण व्यक्ति सिद्ध किया और उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। कहते बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोल न बोल, और हीरा कबू कहे नहीं मेरा लाख टका है बोल। अब जो ही रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है स्वामी जी बताइए। श्री रामानंद जी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था भक्त। अब वैसे तो मेरे शिष्य कहलाते हैं लेकिन वो परमात्मा आए स्वयं। ये ज्ञान मेरे को कबीर भगवान ने दिया है और इनके माता पिता की पूरी डिटेल आपने चाहिए तो कबीर साहब से मिल लो। अब नानक साहिब जी ने कहा कि कौन कबीर, कहाँ है वो, अब मुझे मिलाओ उनसे। आदरणीय रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया आदरणीय नानक साहिब जी के साथ, और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जहां अपनी झोंपड़ी में बैठकर कपड़ा बुनने की लीला कर रहे थे, उनको पता था कि पैसी आत्मा आ रहे हैं। कहां तलवंडी, पश्चिमी पाकिस्तान में, कहां बनारस काशी शहर भारत में, वहां पैदल पहुंच गए। और कुछ भगत ऐसा करते हैं जी, 3 महीने से पहले नहीं आया जा सकता, दूर बहुत है, अरब तक गाड़ी चलें, रेल चलें, हवाई जहाज चल पड़े। जिन्होंने परमात्मा की कसक लगी वो आगा पीछा नहीं देखते और उन्हीं को मिलता है। तो वहां जाकर देखा कि सचमुच ये तो वही है जो सचखंड में देखा था। ओहो, ये तो सबको धोखा देकर बैठे हैं, खुद भगवान आए हैं। नानक साहिब जी ने कहा था फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, लोगों ये धानक रूप रहा करतार। देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा, ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर ये वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 प्रश्न पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू भी ऐ परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। तो यहां पर ये अनुवाद करता कहते थे कि यहां कबीर का अर्थ बड़ा है, काशी वाला कबीर यहां मायने नहीं रखता।
क्योंकि नानक साहिब जी को तो सतपुरुष मिले थे, सतपुरुष। अपना आत्मा ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, इसके ये प्रकाशक हैं। ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक साहिब देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते दस पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी प्रकाशक पुस्तकां वाले, गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब इसमें आपको दिखाते हैं 252 पृष्ठ पर, ये 251 पृष्ठ पे है, ये सिद्धानाल गोष्ठी हुई तो यहाँ है साखी होर चली, आगे साखी होर चली यहाँ से चला है। अभी 251 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं सिद्धानाल गोष्ठी हुई। मर्दाना ने कहा कि मर्दाना जी आख्या जी तू ता निरंकार है, तू तो खुद परमात्मा है, आगे ता कोई भी ना ही आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता, सभी भस्म हो जाते हैं। ता गुरु नानक जी वचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने ऐसा वड्डा गुरु मिलाया है। आए है इस तरह सिद्ध हो गया कि जो गुरु मिले हैं श्री नानक साहिब जी को वो करतार ने मिलाए, भगवान ने मिलाए, यानी इनका गुरु जी था। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे देखो, असानु करतार ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो करतार थी असाडी दृष्टि विच तले नहीं आउंदा, यानी परमात्मा से कम नहीं और उसकी कृपा बिना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ फिर आगे चले, यह साखी होर चली, ये साखी होर चली। इसमें फिर आगे मर्दाना ने पूछा, ये मीना पर्वत की साखी है 252 पृष्ठ पे, सिद्धानाल गोष्ठी हुई। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानो जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है? ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना, उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन, जहां तोड़ी जल और पवन है उसके हुक्म विच चलते हैं, अते अग्नि और मिट्टी ए भी उसके आगे आखे विच हन, और जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होरस ताही बाबा नहीं आखना, यानी सबका दादा ओए है और से को दादा भी मत कह दिए, सबका बाबा वही है। ता मर्दाने कि हाँ गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल सी, फिर दे आहे ते तुसानू कद मिलिया है? ता गुरु नानक जी की हाँ मर्दाना, अजे तू असा थी नहीं आया सें, तू हमारे साथ नहीं था, जद असी मिलन गए से ता मर्दाने कहा जी कद गए से सें? ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, सुल्तानपुर में दरिया में डुबकी लाई सी, तब मर्दाने असी 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जान दे हैं, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सता संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है, अते मर्दाना जिंदा उसनो कहिंदे हन जो काल के वस ना होए, अथों काल उसदे वस होई ता मर्दाना की हाजी उसदा रंग की है, अते उसदा आसन किथे है? ता गुरु जी की हा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई भी लाली मिलदी नहीं, अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग
देहन सोने के सिरंग है, पर उना दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। अब इसे सिद्ध हो गया कि उनको बेई नदी में जब डुबकी लगाई तब उनको गुरु मिला। अब और दिखाते आपको, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली, और ये कहाँ से छपी है? प्राण संगली प्रथम भाग यहाँ से छप, प्रकाशक है बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है? संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है ये 15 पृष्ठ पे, देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए तो वहां एक साधु से भेंट हुई, जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तू किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो? इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार, कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे। 3 दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधुओं और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, ये भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है? भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी है अमृतसर से। और ये इधर भी देखेंगे, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहां आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ इसी दासा हो गया। अगर यहां कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहां भी देखना चाहिएगा नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहां आता है। अब कहते हैं, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, निवदा चारों कोट को जानन पीर फकीर।
चारों कूट में घूमता है वो परमात्मा, और वो आलम बड़ा, ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो, आलम बड़ा कबीर है। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धारणक रूप रहा करता, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा और क्यों कर मोड़ा पावे। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहां से एक बिजली जैसी बहुत तीव्र गामी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान यहां आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दिलाता है, उनको सच्चा ज्ञान देता। अब ये भी नानक साहिब जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जब ये सचखंड में गए उस सतलोक में प्रकाश है बहुत, वो स्वयं प्रकाशित है और वहां उस प्रकाश के अंदर एक निरंकार भगवान बैठा है। देखिएगा, यह है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। यहां क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं। अब देखो, उसमें प्रकाश है और प्रकाश रूप सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं, यानी वो लोक भी प्रकाश में है और परमात्मा भी प्रकाश में है और सिंहासन पर विराजमान है, और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरु जी ने वहां स्तुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरु जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहां जो आज्ञा होगी वहां मैं पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरु जी ने शब्द कहा। अब इस बात को समझना है कि इसमें जब कोई वार्ता हुई है भगवान की, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है और जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं पूर्ण करूंगा, इससे सिद्ध हो गया कि श्री नानक जी को भी परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में मना किया था कि इस सतनाम को अभी किसी को बताना नहीं, जो दो अक्षर का। अपुणात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया, कबीर इज गॉड, सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, आंखों देखा इन महापुरुषों ने कर दिया, क्योंकि गरीबदास साहिब जी की जो लीला है वो बहुत लेटेस्ट है, उन्होंने जो वाणी लिखी है वह संपूर्ण हमारे पास उपलब्ध है, और कबीर सागर में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि संवत 1774 होई तादन प्रेम प्रगट है जग सोई, और बार में पंथ प्रगट हो मेरी वाणी, बारमा पंथ गरीबदास जी के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः फिर प्रकट करवाऊंगा, ताकि पहले कबीर सागर में इन काल के दूतों ने जो कुछ मिलावट कर दी, काट पीट कर दी, वो इससे पुष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाह भेद नहीं पाया, कासीमा कबीर हुआ। और ये भी स्पष्ट कर दिया नानक साहिब जी ने कि भाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार ये धारणक रूप रहा करता। और फिर ये भी बता दिया कि मुझे परमात्मा ने एक इतना बड़ा गुरु मिला है जिसने सब ज्ञान मुझे दिया और परमात्मा के तुल्य है वो,
उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और फिर ये भी स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा बाबा के रूप में मुझे मिला था, 3 दिन उसी के साथ रहा था। अब उसने कौन सा सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है? नानक साहब ने कहा कि जे तू पढ़ा बिन दो अक्षर बिन दो नावा, पंडित को कहते हैं हे पंडित, यदि तू इन 2 अक्षर इन 2 नाम के बगैर कोई जाप करता है, चाहे चारों वेद गीता को घोटे बैठा है, कुछ भी तुझे लाभ होने वाला नहीं है। तो कबीर परमेश्वर ने भी कहा है कि कबीर 2 अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख, ये 2 मंत्र जाप करण के हैं। और कुछ अनाड़ी कहते हैं ये जाप करण के नहीं, ये तो साधना करण के। साधना क्या होगी बताओ? नाम के जाप की साधना होती है, और कोई हठ योग करना होता है इसमें? अब आपको दिखाते हैं वो कौन सा मंत्र है 2 अक्षर का, ये देखिएगा। ये वही है पंजाबी भाषा वाली, पंजाबी लैंग्वेज में साखी। इसके हम समुद्र की साखी पर आते हैं 547 पृष्ठ पे। ये है समुद्र की साखी पृष्ठ नंबर 547 पर। बाला संधु वाच, बालाजी कहते हैं गुरु अंगद देव जी जो नानक साहब जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए, द्वितीय दूसरे गुरु जी बोले जाते हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक देव जी अजीते पासों विद्या हुए, ता मर्दान ने किया सच्चे पादशाह जी असी समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो आँखें बंद करो, जा आँखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे यानी किनारे जा खड़े हुए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरुजी तुर पए, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समंदर ऊपर तुर पए जा चले, जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जप दे जांदे हन, ते मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण, ता गुरु नानक देव जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु नानक देव जी कहा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचना पर चलना चाहिए, तू मर्दाना ओए आँख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहने, ता फिर जल ऊपर वैसे ही तुरन लगा। अपने आत्माओं आपको दिन में भी बताया था कि परमात्मा ने सभी महापुरुषों से इनसे कह दिया था कि अभी ये सतनाम सार्वजनिक मत करना, यदि तुमने अभी इसको सार्वजनिक कर दिया तो पिछली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाओगे, जो ये पीढ़ी इसके लिए सारा कुछ खेल हो रहा था। तुम इसका जाप करते रहना लेकिन इस पिछली पीढ़ी तक इसको किसी को सार्वजनिक नहीं करना। अब इन महापुरुषों के लिए आदेश था किसी को बताना नहीं, ये भी कंपलसरी था कि इन्होंने ये एफिडेविट बनाना था कि हम ये जाप किया करते थे, इससे हमारा मोक्ष हुआ। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं जाखी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ीब कौन छुटावे था। अब नानक साहब ने इस उद्देश्य से कहा था कि ये नाम तो मैं बताऊं नहीं, और वाहेगुरु का जाप दे दिया। वाहेगुरु वो किसको कहते थे? कबीर परमेश्वर को, सतपुरुष को, कि तुम वाहेगुरु करते रहो, और साथ में प्रथम 5 नाम भी दिया करते थे, और उसके साथ साथ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू करवाए थे। नानक साहिब जी के पास जब कोई संगत आती थी ये स्वयं ही सबको भंडारा कराते थे,
अपने खेतों में काम करते थे, लास्ट के 16 वर्ष ये अपने घर पर रहे, खेतों में कार्य जैसा कर सकते थे वो करते थे, भक्ति भी करते थे, आने वाले को उपदेश भी देते थे। तो ये इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि ये बताना नहीं किसी को, नहीं तो काल के दूत जैसे राधा स्वामी पंथ, ये दंदन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा वाला, ब्यास वाला राधा स्वामी, ठाकुर जी वाला राधा स्वामी, ये सब नकली पंथ हैं। इनके पास ये दो अक्षर का मंत्र नहीं है, आदि नाम इनके पास नहीं। जैसे घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब जी ने लिखा, हाथरस वाले ने, के पांचों नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो, पांचों नाम काल जी वाख्या, छठवा नाम गुप्त कर रख्या। फिर बताया कि सत नाम ले सतमोक सिद्धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब सतनाम तो ये दो अक्षर का, सतनाम ये दो अक्षर का, जो अभी आपको नानक साहब जी के और मर्दाना और बाला की वार्ता में आपको बताया, ये है सतनाम दो अक्षर का। और इसके आसपास भी नहीं है ये सचखंड के गीत गाने वाले राधा स्वामी वाले पंथी, यानी इस विश्व में कोई भी इस मंत्र से परिचित नहीं पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त ये सत्कर मान लेना तुम, और कोई अधिकारी नहीं। यदि किसी से ज्ञान हो जाते तो अधिकारी नहीं देने के, इसलिए परमात्मा ने इन काल के दूतों से इसे बचाए रखने के लिए। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिख दिया जाता तो महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया, सब वाणियों का, पवित्र अमृतमणि वाणियों का संग्रह किया, उस समय इन्होंने इस बात को मध्य नजर रखा कि कहीं ये ओम सोहम का मंत्र, सतनाम दो अक्षर का और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, आने वाले भक्त इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से ये हानि को प्राप्त हो जाएंगे, जैसे मर्दाना के साथ कैसी भयंकर दुर्घटना होगी थी, वो मौत को प्राप्त हो गया था। तो इस मद्देनजर से उन्होंने जहां पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की वाणी में ये मंत्र था, निकाल दी वह वाणी, नहीं रखी ग्रंथ साहिब में। इसके लिए नानक साहिब जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया कि एक प्राण संगली बनाई और उसको एक राजा के पास सुरक्षित रख दी कि आप इसको सुरक्षित रखना और मेरा कोई सिक्खा हुआ उसको देना, नहीं तो किसी आम व्यक्ति के हाथ ना लगने देना, ये मेरी आत्मा है, आने वाले जीवों के लिए उद्धार होगा, संसार से पार करने का इसमें एक बहुत अच्छा मार्ग मैंने लिखा है, आम व्यक्ति के ये हाथ नहीं लगना चाहिए। अपने आत्मा फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रिहर्सल कि ये प्राण संगली जो है नानक साहिब जी ने लिखी और एक राजा के पास सुरक्षित रख दी, मर्दाना डूब गया होता इस मंत्र का जाप करने से। इस बात को मध्य नजर रखते हुए प्राण संगली को भी जल प्रवाह कर दिया गया था अर्जुन देव जी के द्वारा, जो गुरु अर्जुन देव जी थे पांचवें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सब वाणियों को इकट्ठा करके जलद बना दिया, उसमें इसको भी जल प्रवाह कर दिया था। देखिएगा अब इस पवित्र ग्रंथ के बारे में क्या कहा श्री नानक साहिब जी ने प्राण संगली के बारे में, देखिएगा। ये भाग एक है प्राण संगली, प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुर शब्द योग साधना में अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म का कृत, विद्वानों के गुरुमुखों का सुरक्षित का हितकारी, जिसको गुरुमुखी अक्षरों में, गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में षटीपण तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, जिसको जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालयों में प्रकाशित किया। ये यहां से छपी, इसके देखना आवश्यक सूचना में गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगल द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी पांचवी गद्दी के अधिकारी यानी गुरु अर्जुन देव जी ने, नानक साहिब जी की पांचवी गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने
उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणी और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, ये तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उन किसी हो। कहते इसका नाम प्राण संगली क्यों रखा, इसके बारे में दो ही बताओगा, जो नानक जी जैसा इन सदग्रंथों के गुण रहस्य से परिचित हो उन किसी उसकी गति हो तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता जो निज मुख से नानक साहब ने बोले हैं, जो उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा था, ई ग्रंथ मेरी देह है। नानक साहब जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा स्थूल रूप समझना, प्राणों मेरियों का संग्रह कहो कवच है, जगत समुद्र का ये पुल है, यानी संसार से पार होने का इसमें सही मार्ग लिखा मैंने, और ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, यानी तू इसका अधिकारी है, तेरा विश्वास हुआ इसका मेरे इस ज्ञान का, इसलिए मैं तुझे बकस दी है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, और तीन लोकां विच इस वस्तु नु संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब इन्हें पता नहीं प्राण माने श्वासों का श्वास, और ये मंत्र जो ओम सोहम यानी सतनाम दो अक्षर का, ये श्वासों से सिमरण होता है, इसकी विधि है जिसको प्राप्त दास से उसको खूब पता है, और नानक साहब ने खूब लिखा था इसमें, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय, ये तो लेखक की बात है, प्राणों में मन के निरोध का पूरा भेद लिखा है। संभव है इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अपने आत्मा गुरु अर्जन देव जी ने किस दृष्टिकोण से इसको छोटे बड़े की नजर से बचाया कि उसमें यो मंत्र लिखा था दो अक्षर का, जो नानक साहब जी जाप करके मोक्ष को प्राप्त हुए, और वहां झटका देना जरूरी था, नहीं तो यो काल के दूता का हाथ लग जाता, पूरा सिख समाज इसका जाप करता, ये जो दूसरे नकली पंथ हैं जिन्हों कहते हमने भी हम भी, क्योंकि बिना पूर्ण गुरु से ये प्राप्त हुए बिना काम नहीं कर सकता, नहीं तो इसमें पट गया कोई भी जाप देने लग जाए उसे कोई लाभ नहीं हो सकता, वो तो नकली पासपोर्ट बनाएगा। तो इन नकली पंथों जो काल ने कहकर चलाए थे कि मैं नकली पंथ चलाऊंगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब मैंने शामिल किया, बल्कि इसको दरिया में प्रवाह कर देना उचित समझा, कहीं कोई पढ़ ले कोई देख ले गुरु जी की आज्ञा का अवलेखना हो जाए देखना। इसी के निवेदन में आपको दिखाता हूं, ये वही प्राण संगली है हम पढ़ रहे थे, अब ये तो आपने पढ़ा था आवश्यक सूचना, अब ये है निवेदन तुरंत ही। श्री गुरु नानक साहिब के पंचम स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी सभी वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का जब रूप दिया, उस समय पैड़ा नामक एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र, शिवनाभ तो रहा नहीं था उसका पौत्र था पोता, के पास यह ग्रंथ मंगवाया था, ये प्राण सिंगली मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया था, डाल दिया था।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह नाम है जी। गुलाब सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव रिवासा, जिला भिवानी, तहसील दौसा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा हमने ली 13 जून 2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम बालाजी के भगत थे और परिवार में जो अन्य अनुपासनाएं होती हैं वो करते थे, जैसे रात्रि जगाते हैं, हमारे यहाँ बकरा लगाते हैं, मुर्गा लगाते हैं, उनकी बलि दी जाती है, वो सब क्रियाएं करते थे। सर जो साधनाएं आप करते थे उन साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, इन साधनाओं से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही होता था और अन्य कोई लाभ नहीं हुआ। नुकसान तो एक बार हमारा एक्सीडेंट हुआ जब हम गुड़गांव में नौकरी कर रहे थे, हमारा अंगूठा कट गया और हाथ ऐसे धीरे धीरे हाथ मुश्किल से बचा, पूरा ये अंगूठा कटा हुआ हमारा, ये वहीं पे कटा था, ये हमारा अंगूठा कट गया था ये साधना करते करते। और एक हमारी घरवाली को बच्चा होना था, मंगलवार का दिन था और बच्चा होने वाला ही था, और बच्चा मंगलवार के दिन हुआ, लड़का हुआ और वो बिल्कुल मृत हुआ। उस दिन से हमारी आस्था बिल्कुल हट गई अन्य पूजाओं से, और बालाजी के भगत थे हम, हनुमान जी से भी विश्वास उठ गया कि हम इतना तगड़ा भक्ति करते थे और फिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो ये भगवान है ही नहीं, या देवता भी नहीं माना। उसके बाद हमने छोड़ दिया बिल्कुल ही, नाम भी नहीं लिया और व्रत भी किए थे पहले, व्रत भी बंद कर दिए, उस दिन के बाद कुछ नहीं करते थे, दारू बीड़ी शराब और मांस मिट्टी ये खाने लग गए थे, ये खाते ही रहते थे। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए, हमारे पिताजी के मामा जी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले रखा था और वो महीने में 10 दिन में हमारे घर पे चक्कर लगाते थे, खाली मेरे से मिलने के लिए आते थे, वो कुछ बात बताते थे सत्संग की, और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, भक्ति बगैर यहाँ आने का कुछ लाभ नहीं है, ऐसा कुछ बताते थे। तो हम थोड़ा बहुत सुनते थे 5-10 मिनट, फिर निकल जाते थे इधर उधर कि भगत जी तो आ गए माथा पच्ची करने के लिए, फिर चले जाते थे। और ऐसे करते करते ये काफ़ी दिन बीत गए, 2-2.5 साल निकल गए, फिर हम हमारा पुराना गांव है मोदकारी, वहाँ जा कर रहने लगे हम बच्चों को लेकर के, घरवाली को, तो भगत जी फिर गए वहाँ पे, टेक्सन भगत जी नाम उनका, तो उन्होंने मेरे बताया भी गुरु बनाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने मेरे को सत्संग चिप में डाल दी, 2-3 सत्संग मैंने सत्संग कुछ दिन सुने और उनसे मेरे को कुछ पता चला कि भी ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज गुरु हैं और उनसे बात बनेगी, नहीं तो अन्यथा दुखी ही रहेंगे संसार में। फिर एक दिन मेरे मन में आई भी आज मेरे को कोई कुछ मत कहना, मैं किराया भी नहीं लूँगा, घरवाली से बोला मैंने किराया नहीं चाहिए और मेरे को ऐसे ऐसे जाना है बरवाड़ा, नाम लेना है मेरे को, कुछ मत बोलना। मैं चला गया वहाँ पे और फिर नाम लिया, नाम लेते ही मेरे शरीर में इतनी राहत मिली जैसे 1 क्विंटल वजन उतार के साइड में रख दिया हो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद हमारे को ऐसा लाभ प्राप्त हुआ, एक बार हमने किस्त भर दी थी गाड़ी की पहले दिन, और दूसरे दिन जब मैं काम करके घर लौटा, घरवाली अपने मायके गई हुई थी, तो एक अनुभव में सत्संग सुनते सुनते जा रहा था मैं ऑटो में, तो बता रहे थे कि भी परमात्मा ऐसा कर देते हैं संत रामपाल जी की शरण में जाने से ऐसा हो जाता है, तो मेरे मन में थोड़ा सा आया हे संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या हमारी कुछ भक्ति में कमी है, हमारे में त्रुटि है, ऐसा मन में ही आया था। शाम को जाके मैंने जहाँ पे हम पैसे रखते थे उस टिफिन को खोला तो वहाँ पे 950 रुपये बिल्कुल कोरे जिनमें पिन भी नहीं लगी हुई थी वो रखे हुए मिले मेरे को, तो एक बार तो जो पैसे मैंने कमाए थे उनको देख रहा हूँ मैं एक हाथ में, अरे उस टिफिन को देख रहा हूँ ये पैसे परमात्मा आए कैसे, तो मेरे को खुशी भी हुई और मेरे को रोना भी आया है, परमात्मा मैंने आपके बारे में इतना गंदा सोचा कि आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तो एक लाभ मेरे को ये हुआ परमात्मा की तरफ, रामपाल महाराज की तरफ से। और हमने ऑटो की साई दी, फिर ऐसे ही
भी पैसे बनेंगे दे देंगे, 50 रुपये से क्या होता है, एक आटो की साई दे आए हम, और एक महीने का ठीक कर दिया कि एक महीने में पैसे कहीं ना कहीं से बन गए तो ठीक है। तो दूसरे ही दिन पैसे का जुगाड़ हो गया परमात्मा के रामपाल महाराज की दया से और हम ऑटो ले आए। उसके बाद काम ठीक ठाक चला और हरी बीमारी से पीछा छूट गया। उसके बाद फिर एक दिक्कत हुई घरवाली की और मेरी, तो तुम्हें मैं होने लग जाती थी सत्संग को लेकर के, भी आप ये करते हो यो करते हो, बच्चों से ठीक बात नहीं करते, और मम्मी भी इतना ज्ञान नहीं था। और धीरे धीरे करके घरवाली ये बोली, मैं तो मेरे मायके जा रही हूँ, आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, वो रूस के चली गई। फिर मैंने सोचा ये तो भाई और समस्या हो गई, बच्चों को भी ले गई। फिर मैं बरवाड़ा आश्रम में गया और आशीर्वाद के लिए परमात्मा रामपाल महाराज के पास गए, उनसे प्रार्थना करी, हे मालिक आप है ना ऐसी दिक्कत हो रही है, नाम लिया था हमने सुख करने के लिए, उल्टा आपत्ति हो गई, तो वो भगतमती चली गई, हमारी घरवाली चली गई। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया बेटा आ जाएगी, तो उसके 15 दिन बाद वो वापिस आ गई, फिर ठीक ठाक रहने लग गए। और एक लाभ फिर ये हुआ, हम हाँसी जा रहे थे, बच्चे भी हमारे दोनों साथ थे, एक लड़का और एक लड़की हैं और घरवाली भी, तब घरवाली ने नाम ले लिया था। और वापस आ रहे थे, अंधेरा हो चुका था, ऑटो की लाइट ख़राब थी और एक ट्रक के पीछे पीछे लगा लिया हमने, और ट्रक काफ़ी आगे निकल गया था, हम पीछे रह गए थे। तो मैंने थोड़ा सा तेज़ भगाया तो आगे से लाइट लगी दूसरी गाड़ी की, तो ऑटो का टायर नीचे उतर गया और वापस जिस साइड से आ रहे थे हम हासी की तरफ से, वापस उसी तरफ मुंह हो गया। तो घरवाली ने आवाज़ लगाई, हे रामपाल जी महाराज, हे रामपाल जी महाराज, 2 बार आवाज़ लगाई, तो ऑटो पलटी तो हो गया पर घरवाली की चोट लगी, लड़के के नहीं लगी, लड़की के नहीं लगी, लड़के के थोड़ी सी खरोंच आई थी और मेरे नहीं लगी, और घरवाली पूरी नीचे दब गई थी। फिर आसपास के लोग आए, गाड़ियों वाले, उन्होंने बोला भाई इनमें से कोई बचा ही नहीं होगा, आवाज़ मेरे कानों में थोड़ी थोड़ी जा रही थी। फिर मैंने उनसे बोला धीरे से, भाई अभी ऑटो को उठाना मत, एक बार इन बच्चों को पकड़ाता हूँ आपको, बच्चों को पकड़ो आप, बच्चों को मैंने बाहर पकड़ाया। फिर मैंने उनको बोला भैया बच्चों को निकाल दिया, आप ऑटो उठाओ, घरवाले के दोनों पैर दबे हुए थे, उनको उठाया तो वो उठ नहीं पाई। फिर ऑटो उठाने के बाद मैंने सोचा हे परमात्मा ये क्या हो गया आज, ये तो अपाहिज हो जाएगी, ऐसा हो गया। तो कुछ देर बाद फिर उसको थोड़ा सा घुमाया तो चलने लगी। तो आज तो मेरे को ये पता चल रहा है कि रामपाल महाराज की वजह से हम बच गए, अगर शरण में नहीं होते तो हम सबकी मौत थी और काल हमें खा जाता। और आज मेरे को ये पता चला कि उस दिन तो एक्सीडेंट हुआ था, तब तो पता नहीं था, इतना ध्यान जाता ही नहीं कि चोट कितनी लगी है, घाव भी है। तो मैंने देखा बाद में ठीक होने के बाद कपड़े चेक किए, कपड़ों में खून नहीं था बिल्कुल भी, पूरा पैर छिला हुआ था घुटने से लेकर के जांघ यहाँ तक, और खून का निशान नहीं था। उस रामपाल महाराज की दया से, अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होता तो मेरा परिवार उस दिन ख़त्म हो जाता। और एक लाभ सर ये हुआ, मेरी लड़की को मैं सत्संग में ले गया था बरवाड़ा आश्रम में, 6 साल की गुड़िया है मेरी, और उसके घाव हुआ था कान के ऊपर, उसमें से पीप निकल रहा था मवाद, तो रात भर भंडारा करके हम सो गए वहाँ पे, सुबह जल्दी लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए। तो मैं दर्शनों के लिए गया हुआ था, लड़की टेकचंद भगत जी के पास सोई हुई थी, टेकचंद भगत जी का फ़ोन गया कि भगत जी आपकी लड़की है, कैसी कैसी बातें कर रही है, माँ जी क्या हुआ भगत जी, बोले ये हंस रही है और बोल रही है मेरा घाव कहाँ गया भगत जी, मेरा घाव कहाँ गया। तो मैंने भगत जी से कहा भाई भगत जी मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, आने के बाद बात करूँगा मैं, देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। तो दर्शन करने के बाद मैं लौटा तो लड़की इतनी खुश थी, हंस हंस के बार बार मेरी गोद में चढ़ रही थी, पापा मेरा घाव पता नहीं कहाँ गया, गुरुजी ने पता नहीं कैसे मेरा घाव गायब कर दिया। तो मैंने लड़की का एक एक बाल देख के ऐसे देखा कि घाव था किस कान पे, मेरे को भी याद नहीं रहा इस कान पे था कि इस पे था, मैं दोनों कान उठा उठा के, बाल उठा उठा के देख रहा था कि घाव कैसे चला गया। और बिना किसी दवाई के संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ऐसे खाल हो गई थी बराबर जैसे शुरू से होती है, कोई घाव हुआ ही ना हो, ऐसा मैंने पहली बार देखा और ऐसा मेरे साथ हुआ। उस दिन के बाद मेरे को ये पता चला कि
कि भक्ति है तो यही है और गुरु है तो ये तत्व संत रामपाल जी महाराज हैं जिनकी वजह से हम आज इस संसार में ठीक ठाक घूम रहे हैं। एक लाभ सर जी ये हुआ, गांव से हम बुकिंग लेके आते हैं हम भिवाणी की सब्जी वालों की, सब्जी लेके जाते हैं वापस। तो गांव के दो लड़के थे वो मेरे साथ बैठ के आ रहे थे और हमने नित्य नियम लगा रखा था सुबह का। तो भिवाणी पहुँचे तब वो कुछ बकवास करने लगे मेरे साथ, भाई ऐसे ऐसे सर में दर्द कर देता है तू, ये लगा लेता है सुबह सुबह। तो मैंने कहा भाई तुम भी कभी गाने सुनते हो कभी कुछ सुनते हो, मैंने तो आपको मना नहीं किया, आप मेरे को क्यों मना कर रहे हो। तो उन्होंने बोला ऐसा ही तुम्हारा गुरु है तो इसको पुल पे से कुदा दे ऑटो को। जब पुल के ऊपर चढ़े हुए थे चढ़ रहे थे ये बातें चल रही थी, तो मैंने बोला भाई पुल पे से कुदा दूंगा आप उतरना मत, आप भी किसी को मानते होगे। बोले हम तो मुंगी पा को मानते हैं, हमारे गांव में मुंगी पा का मंदिर है पहाड़ पे, उसको मानते हैं वो। तो मैं ठीक है आप उसको याद करो, मैं अपने गुरु को याद करता हूँ कुदा देते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं भाई आप कुदाओ हम उतर जाते हैं, मैं ऐसे तो मैं भी नहीं कुदाने वाला। इतनी बातें चल रही थी टायर फट गया, टायर फटते ही मैंने गाड़ी रोक दी ऑटो और नीचे उतर के देखा भाई टायर तो बिल्कुल ठीक है, टायर फट तो गया, हवा डटी कैसे है, कोई आसपास में व्हीकल भी नहीं है। सुबह सुबह का टाइम था बिल्कुल, उधर भी 50 फुट खाली पड़ा है पुल और 50 फुट उधर बिल्कुल खाली, आवाज़ तो आई है टायर में से ही, टायर फट गया। फिर चल पड़े हम बैठ के, तो 3-3.5 किलोमीटर पड़ती है वहाँ से सब्जी मंडी पुल से, वहाँ तक मैं आया तो मेरा दिमाग में वही चल रहा था भाई चल कैसे रहा ऑटो, ये अगला टायर फट गया तो चल कैसे रहा है। वहाँ आने के बाद मैंने ऑटो खड़ा किया और नीचे उतरते टायर की तरफ देखा तो हवा निकली हुई थी बिल्कुल। मैंने याद किया है गुरु जी भाई आप जानी जान हो आप ही करते हो कुछ करते हो, आपने ही बचाया मेरे को यहाँ तक आप ही पहुँचाया, नहीं तो टायर फटने के बाद चलता नहीं। स्टेपनी चेंज की मैंने, स्टेपनी चेंज करके टायर पंचर वाले को ले गया तो उसमें पंचर बिल्कुल बारीक मिला जैसे सूर लग के निकल गई हो कांटा लग के, उसने पंचर लगा दिया। पंचर लगाने के बाद मैंने टायर रख के चल पिया वहाँ से, चल दिया वहाँ से 50 कदम चलाऊँगा मैं दूसरे जो चढ़ाया था उस टायर की हवा निकल गई, फिर वहाँ उतार के उसको लगा दिया मैंने तो उसमें ट्यूब फटी हुई मिली। तब मेरे को ये पता चला भी रामपाल जी महाराज ने सब लीला की है, ये मेरे को पहुँचा भी दिया और जो नुकसान होना था वो तो हुआ ही था। तो उसको फिर खुलवाया टायर पंचर वाले से, उसकी जो धीरे से हवा निकली थी उसका तो फटा हुआ निकला ट्यूब, और जिसका फटा था उसमें बिल्कुल बारीक पंचर मिला। तो और भी दृढ़ विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और ये सब लाभ देते हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं। आज हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के उसकी शरण में रहने के बावजूद बिल्कुल सुखी हैं, किसी प्रकार का कोई रोग कोई बीमारी बिल्कुल नहीं है और आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है मालिक की दया से। और गुरु जी ने ऐसी दया बख्श रखी है जो मन में आता है ना उससे पहले तो गुरु जी तैयार करके जैसे रख देते हैं, मन में आने से पहले, मन में बाद में आता होगा वो पहले काम तैयार हो जाता है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है आज। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी श्रद्धालु मुझे आज देख रहे हैं उनको मैं संदेश तो नहीं दे सकता, प्रार्थना कर सकता हूँ भी ये संकट आना हर किसी के ऊपर ऐसे मंडरा रहा जैसे कच्चे धागे से तलवार बांध के लटका दी गई हो, ये मेरे साथ ही नहीं किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपको भी इन आपदाओं से बचना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और नाम लें और भक्ति करें और कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया जा सकता है, साधना चैनल पे नीचे एक पट्टी चलती है उसके ऊपर एड्रेस होता है और उससे आप पुस्तक भी मंगवा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे उस पर फोन करके पूछ भी सकते हैं भाई सेंटर कहाँ पे है, नामदान स्थल सेंटर कहाँ पे है, और पुस्तक के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी आप ये सत्संग देखो, नाम दीक्षा लो और कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साई।